नमस्ते प्रणाम दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से धनंजय धड़कन की वीडियो सॉन्ग के बारे में एंड धनंजय धड़कन के बारे में कुछ खास बातें आप लोगों को शेयर करने, आप लोगों से बात करने या समझ लीजिए आप लोगों से शेयर करने कुछ खास बातें जो आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप हम आप लोगों को दिखाते हैं जीतू भोजपुरिया का और उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। नए नए रोज चैनल क्रिएट कर रहे हैं भाई, आप लोगों से यही मिलती सेम, है कि सेम क्रिएट मत कीजिए भाई। नाम का चैनल मत क्रिएट करिए, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। अरे नहीं, देखिए आप ऐसा भी कीजिए कि आप देखिए अब अपना अगर अब चैनल ऐसा मतलब कर रहा है कोई माना नहीं है, आप कीजिए ऐसा कि बनाइए, आप अपने लेवल के बनाइए कि ताकि वो आगे भी रहे, आप ऐसा ना बनाइए खराब हो जाएगा। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन ओरिजिनल पे आया कौन डुप्लीकेट है, और एक सब पे थोड़ा थोड़ा व्यू जाता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। और जैसे कि आप धनंजय खोलो तो कम से कम 50 से ऊपर चैनल आता है, धनंजय ऑफिशियल, धनंजय म्यूजिक वर्ल्ड, धनंजय, पता ही नहीं चलेगा उसमें ओरिजिनल कौन है किसका है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने धनंजय धड़कन क्या बोले हैं, तो इससे क्या होता है आप लोगों को पता है, जैसे हम और आप जिस टाइम रिलीज होने वाला होता है तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि इस टाइम गाना लॉन्च होने रिलीज होने वाला है, तो असली व्यूवर जो जाते हैं हम और आप सर्च करते हैं धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट, जब सर्च करते हैं तो सॉन्ग ही नहीं मिलेगा आपको, ना ही वो चैनल मिलेगा आपको। इतने सारे चैनल हो गए आप ढूंढते थक जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सबूत दिखा देते हैं आखिर धनंजय धड़कन का, आप लोग जब चैनल सर्च करते हो तो सर्च में क्यों नहीं आते हैं, आखिर किसका चैनल आते हैं वो हम आप लोगों को सबसे पहले दिखा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको साइड स्क्रीन में मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ हम सर्च करते हैं धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट, तो देखिए अभी तो आ गया। और इसके चैनल पर हम क्लिक करते हैं तो ऑल के ऑप्शन पर जाकर चैनल पर जाके और अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट ऑफिशियल धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट। दोस्तों इतने सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएगा, देखते देखते आप थक जाओगे लेकिन सठेगा नहीं चैनल। जितने भी चैनल है ऑल टू ऑल चैनल फेक है, यहाँ पर एक चैनल के अलावा ऑल टू ऑल चैनल यहाँ पे फेक दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं काम करना चाहिए, जितने भी भाई को चैनल है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इससे पब्लिक लोग जो होते हैं ना, तो देखिए इससे क्या रिएक्शन होता है आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर धनंजय धड़कन अपने चैनल पर जब वीडियो अपलोड करेगा, कोई भी सॉन्ग अपलोड करेगा तो उसमें व्यूज बहुत ही कम जाएगा। इससे कैसे आप लोगों को पता है, जब मान लीजिए जब चैनल पर अपलोड होता है वीडियो तो जिसका ये चैनल फेक चैनल है तो वो चैनल वाले की करते हैं उस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपने चैनल पर चढ़ा देते हैं। तो जितने भी चैनल है मान लीजिए 50 होगा, मान लीजिए 50 चैनल है, अगर वहाँ पे 20 लड़का 30 लड़का या 30 चैनल वाले ऐसे करेंगे कि कॉपी करके डाल देंगे तो जितने भी व्यूवर होंगे जैसे हम और आप देखते हैं तो एक गाना पर बैठकर देखेंगे, एक गाना को आराम से देखेंगे तब ना पता चलेगा कहाँ इस वीडियो का कितने व्यू जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा इतने सारे गाने मिल जाते हैं, इतने सारे गाने आ जाते हैं, एक ही गाना इतने सारे चैनल पर आ जाते हैं कि व्यूज जितने भी होते हैं सब चिटफट हो जाते हैं, थोड़ा व्यूज इस चैनल पर, थोड़ा व्यूज इस चैनल पर, थोड़ा व्यूज इस चैनल पर। तो इससे क्या होता है आप लोगों को पता है, जितने भी व्यूज होता है वो एक गाने पर नहीं मिलता है, छिटपट करके सब सॉन्ग पर चले जाता है व्यूज, तो उसे लगता नहीं है कि गाने पर व्यूज आता है। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जो भी भाई का चैनल है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, एक अच्छा काम कीजिए, एक अच्छा चैनल बनाइए ताकि आप भी एक दिन आ जाके यूट्यूबर बन जाएंगे तो शायद आपका चैनल ऑल टू एम लॉन्ग टाइम तक टिकेगा। तो ऐसे करने से कब तक टिकेगा, अगर मान लीजिए अगर जीतू भोजपुरिया बोल रहे थे कि अगर आप लोग ऐसे करिएगा तो हम एक्शन ले लेंगे, अगर एक्शन लेकर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे तो आपका चैनल गया, तो इसे क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। तो काम कीजिए ऐसा ताकि आपको भी बेनिफिट हो और जो सिंगर है उसका भी बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता होगा एक वीडियो और एक सॉन्ग बनाने में कितना रुपया खर्चा होता है और कितना मेहनत सारे लगता है, ये आप लोगों को पता होगा। इससे आप लोगों को थोड़ी तो इंटरटेन हो जाता है या थोड़ी बहुत आपको व्यूज मिल जाता है, इससे तो कुछ होता नहीं है, और जिसका मेहनत है जिसका गाने हैं उसको फल नहीं मिलता है आप लोगों की वजह से। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जो भी भाई का चैनल है हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि ऐसा काम ना करें, नहीं तो एक सिंगर का वैल्यूएशन खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहते थे कि एक चैनल पर सर्च करेंगे एक नाम से तो आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यही हम आप लोगों को बताना चाहते थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये न्यूज़ कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे क्या होगा मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और मजेदार एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।